कल के प्रभु को लीला को अच्छे से समझाने के लिए हम आज की पीढ़ी के एक कल के भक्त कुमार तारक अग्रवाल की आप बीती आपको सुनाते हैं। मेरा नाम तारक अग्रवाल है। मेरा जन्म मेरठ के एक संभ्रांत और संयुक्त परिवार में हुआ। संयुक्त परिवार में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जीवन का पहिया निरंतर घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। मेरे पापा की दवाइयों की दुकान थी जो किन्हीं कारणवश 2007 में बंद हो गई। उसी साल उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ। इन सब की वजह से मैं बचपन में ही समझदार बन गया। मेरे लक्ष्य अपने परिवार का सहारा बनना था। अच्छी पढ़ाई करके अच्छी डिग्री लेकर अच्छी नौकरी पाना ही मेरा ध्येय था। मैंने और मेरी मम्मी ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। इधर मेरे पापा को भी 2012 में नोएडा में एक रिश्तेदार की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वहीं मेरे पापा को कल्कि जी का प्रसाद का पैकेट मिला। उन्होंने उसे पढ़ा। अपनी पूजा में कल्कि जी के महामंत्र का नाम गंगा जल की तरह मिला लिया। साथ ही मम्मी को भी ऐसा ही करने को कहा। अब मम्मी और पापा निरंतर अपनी पूजा में कल्कि जी का महामंत्र का जाप कर रहे थे। 2013 में मेरे पापा को फिर हार्ट अटैक आया। मेरे पापा उस समय नोएडा में अकेले ही रहते थे। जब कल्कि जी की कृपा हुई थी उसी दिन मेरी मम्मी उनके पास गई हुई थी, जिससे पापा का सही समय पर इलाज हो पाया। मैं उस समय बीटेक के द्वितीय वर्ष में था। मैं और मेरी बहन मेरठ में ही रहते थे। 2014 में मुझे पढ़ाई करते करते एक कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छा वेतन नहीं था लेकिन घर की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने हाँ कर दी। मेरी कंपनी गुड़गांव में थी, मुझे तुरंत ही नौकरी ज्वाइन करनी थी और कॉलेज मेरठ में। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस परिस्थितियों में था। 2015 में मेरे पापा को फिर हार्ट अटैक आ गया। अब उनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं थी कि वे नौकरी पर जा सके। अब केवल मेरी ही कमाई पर घर निर्भर था। अभी हम संभले भी नहीं थे कि 2016 में हमें पापा का बाईपास करवाना पड़ा। अब मुझे अचानक से अजीब अजीब अनुभव आने शुरू हो गए जो निरंतर ही आए जा रहे थे। मम्मी ने मेरी मौसी की बेटी प्रियंका दीदी से बात की। उनका पूरा परिवार कल्कि जी से जुड़ा हुआ था। तब दीदी ने मम्मी को कल्कि जी की लीला समझाई, साथ ही उनको कल्कि जी का साहित्य भी भेजा। मेरे अनुभव की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने मामा जी श्री ओपी गुप्ता जी का नंबर मम्मी को दिया। मामा जी ने मम्मी को कुछ उपचार बताए और उन्हें कल्कि भक्तों के नंबर भी दिए, जिससे वह अपने अनुभव पूछ सकें और सत्संग ले सकें। यहाँ से कल्कि जी की लीला शुरू हुई। मम्मी ने मुझे उनकी माला करने के लिए कहा, पर पहले से ही इतना काम का प्रेशर था, रोज़ नोएडा से गुड़गांव आना और जाना, उसी में तो 5 घंटे लग जाते थे। वैसे भी मम्मी हमसे बचपन से ही हनुमान चालीसा, सरस्वती चालीसा और सूर्य भगवान का जल अर्पण करवाती थी। अब और पूजा बढ़ाना यह मेरे लिए संभव नहीं था। इस उम्र में वैसे भी कहाँ पूजा पाठ भाता है, परंतु कल्कि जी को यह पसंद नहीं था। उन्होंने साम दाम दंड भेद से मुझे अपना भक्त बना ही लिया। यह प्रभु की अति विशिष्ट कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर थी जो मैं उस समय समझ नहीं पाया। बाद में कल्कि जी के अनुभव के माध्यम से मुझे यह समझ आया, प्रभु तो मेरे और मेरे परिवार को हर परेशानियों से निकालने के रास्ते दे रहे थे। हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों को वह निरंतर किसी न किसी माध्यम से कटवाते चले गए। प्रभु ने अनुभव में सामूहिक हवन में जाने के निर्देश दिए। हमने कल्कि जी के आयोजनों में जाना शुरू किया। वहाँ हमें खूब सत्संग मिला, साथ ही मुझे भजन गाने को अवसर भी मिला। प्रभु ने हमेशा अपना प्रिय काम कल्कि बालवाटिका शुरू करने का निर्देश दिया। हमने
अपने घर पर ही बाल वाटिका करवानी शुरू कर दी। कल्कि जी की असीम कृपा तो देखिए, मुझे कल्कि जी का साहित्य का काम करने का अवसर मिला। धीरे धीरे मैं मामा जी के सानिध्य में रहने लगा। जब भी मेरी छुट्टी होती, मैं मामा जी के पास जाकर काम करने लगा, जो हर कल्कि भक्त की इच्छा होती। वह मुझे बड़ी सहजता से मिल गया। मामा जी ने मुझे निरंतर कल्कि जी के कार्यों में लगाया, जिससे मेरी वैभवता के रास्ते खुले। उनके शब्द कठोर जरूर होते, कभी कभी हृदय पर आघात करते थे, पर वह केवल मेरा भला चाहते थे। अगर हम आलस्यवश इसमें सतर्कता नहीं रखेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम चले थे, जो मामा जी बिल्कुल देख नहीं सकते थे। अब मेरे परिवार को डॉक्टर अस्पताल के चक्करों से छुटकारा मिला। प्रभु ने गुड़गांव में ही मुझे अपना मकान दिलवाया, साथ ही गाड़ी भी दिलवाई। मैं कल्कि जी का, मामा जी का हर सांस से आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर मुझे ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। मैं कल्कि जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन और बुद्धि हमेशा आपके कार्यों में लगी रहे। जय श्री कल्कि। मैं कहता डंके की चोट पे आ गया संभल वाला, मैं कहता डंके की चोट पे आ गया संभल वाला। मेरा कल्कि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। कल्कि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे आ गया संभल वाला। मेरा कल्कि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। कल्कि है हजार हाथ वाला। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला। क्या मारेगा मारने वाला, दीन दयाला है रखवाला। कल्कि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। कल्कि है हजार हाथ वाला। जय श्री कल्कि, जय माता की। जय श्री कल्कि, जय माता की। जय रमापते। जय कल्कि, जय जगत।